नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्नेहांकुर देशिंग चैनल पर। चलिए देखते हैं होली पर यह एक सुंदर निबंध। शीत ऋतु की हो रही है विदाई, ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई। देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। वसंत में जब प्रकृति के अंग अंग में यौवन फूट पड़ता है तो होली का त्यौहार उसका श्रृंगार करने आता है। होली एक ऋतु संबंधी त्यौहार है। शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्मकाल के आरंभ, इन दोनों ऋतुओं को मिलाने वाले संधि काल का पर्व ही होली कहलाता है। शीतकाल की समाप्ति पर किसान लोग आनंद विभोर हो उठते हैं। हमारे पूर्वजों में भी होली त्योहार को आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसमें सभी छोटे बड़े लोग मिलकर पुराने भेदभावों को भुला देते हैं। होली रंग का त्योहार होता है और रंग आनंद पर्याय होते हैं। बसंत के मौसम में प्रकृति की सुंदरता भी मनमोहक होती है। जब सारी प्रकृति यौवन से सराबोर हो जाती है तो मनुष्य भी आनंद से झूमने लगता है। होली पर्व इसी का प्रतीक है। होली के उत्सव के पीछे एक रोचक कहानी है जिसका काफी महत्व है। पुरातन काल में राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के अहंकार और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद की भक्ति से ही इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा द्वारा वरदान स्वरूप बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनके बल पर वह अपनी प्रजा का राजा बन बैठा था। कहा जाता है कि भक्त प्रह्लाद भगवान विष्णु का नाम लेता था। प्रह्लाद का पिता उसे ईश्वर का नाम लेने से रोकता था क्योंकि वह खुद को भगवान समझता था। प्रह्लाद इस बात को किसी भी रूप से स्वीकार नहीं कर रहा था। प्रह्लाद को अनेक दंड दिए गए, लेकिन भगवान की कृपा होने की वजह से वे सभी दंड विफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण से पहले यह पर्व सिर्फ होली का दहन करके मनाया जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे रंगों के त्योहार में परिवर्तित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना राक्षसी का वध किया था, जो होली के अवसर पर उनके घर आई थी। बाद में उन्होंने इस त्योहार को रंग खेलने के उत्सव के रूप में मनाया। होली के दिन एक झंडा या कोई बड़ी डंडी को किसी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ा जाता है। इस डंडे की पूजा कर उसके फेरे लगाकर मंगल कामना की जाती है और होली के मुहूर्त के समय इस डंडे को निकालकर इसके चारों तरफ लकड़ियां और उपले इकट्ठे किए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा के बाद इन लकड़ियों में आग लगाई जाती है और राख से तिलक लगाया जाता है। होली दो दिन का त्योहार होता है। होली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। होली से पहली रात को होली का दहन किया जाता है, जिस पर घमंड और नकारात्मक प्रवृत्ति का आहुति स्वरूप दहन किया जाता है। होली का दहन से अगली सुबह फूलों के रंगों से खेलते हुए होली का शुभारंभ किया जाता है। इस दिन को धुलेंडी भी कहा जाता है। होली के दिन का हिंदुओं में बहुत महत्व होता है। होली का त्योहार दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। अमीर गरीब, क्षेत्र जाति धर्म का कोई भेद नहीं रहता है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और रंगों के साथ खेलते हैं। दूर रहने वाले दोस्त भी इस बहाने से मिल जाते हैं। इस दिन सभी लोग अपनी नाराजगी, गम और नफरत को भुलाकर एक दूसरे के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं। समाज में बेहतर गठन के लिए होली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। होली का त्यौहार अपने साथ बहुत से संदेश लाता है। होली का त्यौहार हमें भेदभाव और बुराइयों से दूर रहने की सलाह देता है। इतनी खुशियों के त्यौहार में भी कई लोग शराब पीकर और नशे में चूर होकर लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। कई स्थानों पर अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसका फल यह होता है कि रंग का त्यौहार रंज के त्यौहार में बदल जाता है, प्रेम दुश्मनी में बदल जाता है, जिसे कहते हैं रंग में भंग होना। वास्तव में होली का त्यौहार बड़ा ही ऊंचा दृष्टिकोण लेकर प्रचलित हुआ है, लेकिन आज के लोगों ने इसका रूप ही बिगाड़ दिया है। सुंदर और कच्चे रंगों की जगह पर बहुत से लोग काली शाही और तवे की काली का प्रयोग करते हैं। कुछ मूड लोग तो एक दूसरे पर गंदगी भी फेंकते हैं। उत्सव के आयोजकों द्वारा इन बुराइयों को कम किया जाना चाहिए। होली में एकता, प्रेम, खुशी
खुशी व आनंद का त्योहार है। इसमें एक बुजुर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सबके बीच नाचते हुए दिखाई देता है। इस दिन की खुशी नस नस में नया खून प्रवाहित कर देती है। बाल वृद्ध सभी में एक नई उमंग भर जाती है। सभी के मन से निराशा दूर हो जाती है। होली खेलने के लिए लोग ज्यादातर रंगों का प्रयोग करते हैं। हमें रंगों के स्थान पर गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। रंग त्वचा और आँखों के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन गुलाल बहुत ही सुरक्षित होते हैं। उनसे ऐसा कुछ होने का डर नहीं रहता। अगर कोई रंग नहीं लगवाना चाहता हो तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। होली ने भक्त प्रहलाद की स्मृति है करवाई, बच्चों और बड़ों ने कचरे और अवगुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों।